चाचा जी मुझे 4 बजे तक का वक्त दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन देख भाई 4 बजे तक मुझे पैसे दे देना, उससे ऊपर 1 मिनट भी नहीं। हाँ बोलो माधवी। आप कहाँ हो? मैं यही पास में होटल में चाय पीने आया था। आप मुझे 2 बार चाय बनाने का बोलकर आप होटल में जाके चाय पी रहे, कमाल है तुमसे। सॉरी सॉरी, बोलो ना क्या हुआ। आप सरल घर पे आइए, चंपक चाचा जी आपसे मिलने आए हैं। बाप रे। हेलो माधवी, तुम्हारी आवाज क्रैक हो रही है। हेलो 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 क्या करूं क्या करूं। मेहता साहब, हाँ जी भिड़े जी बोलिए। हाँ मेहता साहब, आपसे थोड़ी बात करनी थी, थोड़ा सा टेंशन हो गया है। किस बारे में? वो 1 लाख रुपए का टेंशन? हाँ नहीं नहीं वो नहीं। हाँ नहीं नहीं तो भिड़े और क्या टेंशन है? क्या जेठालाल ने सही इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी तुम्हें कोई? नहीं नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं है, ये दूसरी बात है। तो फिर बताओगे तो पता चलेगा ना क्या टेंशन है भिड़े। हाँ वो बात ये मेहता साहब के पुणे में मेरा एक दोस्त है, मतलब वैसे तो वो लखपति है, 4-5 लाख यूं ही खर्च कर सकता है। उसके पिताजी को ना पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई है, मतलब पूछने के बाद भी वो बता नहीं रहे कि क्या टेंशन है। उसके बेटे को भी नहीं बताया उन्होंने, तो अभी मैं कैसे पता करूं कि क्या टेंशन है उन्हें? अरे अगर किसी आदमी को टेंशन है तो वो तो खुद ही बता सकता है कि उसे टेंशन क्या है। या मान लीजिए कोई हिंट मिल जाए कि मामला क्या है, तो फिर भी आदमी कुछ सोच सकता है कि क्या टेंशन हो सकता है, लेकिन ऐसे में तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि भाई टेंशन क्या है। नहीं बात तो हो गई मेहता साहब, उनको 2 लाख रुपए की जरूरत है और वो मुझसे मांग रहे हैं, तो क्या करूँ मैं? तुमसे मांग रहे हैं मतलब क्या उनके बेटे के पास नहीं है देने के लिए? नहीं नहीं बहुत पैसे, मैंने बताया ना वो लखपति है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकते, वो मुझसे मांग रहे हैं। अरे आज तक क्या तुम्हारे दोस्त के पिताजी ने कभी तुमसे पहले पैसे मांगे? नहीं कभी नहीं। अच्छा तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी पे पूरा भरोसा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। हाँ। और तुम अपने दोस्त के सच्चे दोस्त हो या उसे सच्चा दोस्त मानते हो, उसके पिताजी की तहे दिल से इज्जत करते हो, और अगर तुम मदद कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें मदद करनी चाहिए। हाँ मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मेहता साहब की बात बिल्कुल सही है, चाचा जी मेरे लिए पिता समान है, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, और उन्होंने सिर्फ मुझसे मदद मांगी है क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है, और मैं उनका विश्वास तोड़ने जा रहा था। नहीं, ये कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। चाचा जी भाई तू कहाँ चला गया था? भाई मैं अभी वापस तेरे घर ही जा रहा था, तू जानता है ना मैं कितना परेशान हूँ। हाँ चाचा जी परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ दे दे दे। नहीं इसे पैसे नहीं, साड़ी है। हैं? ये साड़ी है जो फॉल बिडिंग के लिए दी थी माधवी की, वही लेके जा रहा था। आप यहीं रुकिए मैं पैसे लेके आता हूँ। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वो पैसे कैसे हो भैया? ठीक ठीक तू एक काम कर, मैं मंदिर में राह देखता हूँ, तू वहाँ पैसे लेकर आ जल्दी जा। दो बार मुझे चाय बनाने का बोलकर होटल में जाके चाय पी रहे हो, क्या परेशानी है आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं कुछ तो टेंशन है, मुझे बताइए अभी। नहीं काई टेंशन नहीं है माधवी। शक्कर कहाँ है? क्या बार बार शक्कर 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 कर रही हो, शक्कर को मारो गोली। अभी मुझे 1 कप चाय दो। काय? चाय नहीं मिलेगी। नहीं इस बार मैं पक्का पीऊंगा चाय शक्कर। आई शक्कर, ये जो दूसरी बार चाय बनाई थी ना उसमें शक्कर खत्म हो गई, घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है, कर लो। बिना शक्कर चलेगी? है? बिना शक्कर चलेगी पक्का। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। भगवान भिड़े अभी पैसे लेके आ रहा है,
आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। चाचा जी। हाँ हाँ बिल्ली मास्टर, लाए पैसे लाए। ये रहे 1,00,000 रुपए। थैंक यू बिल्ली मास्टर, थैंक यू। तूने मुझ पे भरोसा करके जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। थैंक यू। चाचा जी, आपने बताया नहीं कि आप किस मुसीबत में। देख भाई बिल्ली मास्टर, मैंने तुझसे ये पैसे क्यों लिए वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। एक मिनट चाचा जी। हाँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आप ये पैसे वापस कब दूंगा? हाँ मतलब माधवी पूछेगी ना कि पैसे कहाँ गए तो बताना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन कब वापस मिलेंगे ये जानना जरूरी है। मामा जी ने ये पैसे मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए कब वापस मिलेंगे कुछ बता सकते हैं? देख भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे पैसे जल्द से जल्द तुझे लौटा दूं, है? बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। चलता हूं। चाची जी। आज मैं और माधवी पहली बार मिले थे, क्या सोचा था मैंने, मस्त लोनावाला वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर माधवी को गिफ्ट दूंगा, लेकिन मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। पर चाचा जी भी नहीं बता रहे कि ऐसी क्या मुसीबत है जो उनको 1,00,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी। हे देवा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखा? अरे हाँ, चाचा जी का पीछा करता हूं, पता तो चले आखिर किस मुसीबत में फंसे हैं। चाचा जी नमस्ते। हाँ बेटे भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी कहाँ गए? चाची जी कहाँ गायब हो गए? अरे कहाँ चले गए? क्या हूँ? ए भिंडी मास्टर, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा? नहीं चाचा जी, मैं तो बस ऐसे ही। देख भाई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, और अगर तू मेरा पीछा करने की सोच रहा है तो भाई तेरे पैसे वापस ले लेते, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, है ना? हाँ। जा, अब घर जा। जा रहे हैं ना? हाँ। मुसीबत है, अभी चाचा जी का पीछा भी नहीं कर सकता। देवा, चाचा जी की रक्षा करना और मेरे पैसों की भी, इन शॉर्ट दोनों का ख्याल रखना। साला गरीब चला। अरे भाई, ये तो टीवी के सेल की फाइल है, मुझे फ्रिज के सेल की फाइल दे भाई। ओ,
क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं वो फाइल की बात पे नहीं हंस रहा हूँ। तो ये बावरी जी भी कमाल है, उन्होंने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा कि घास फूस और सैलड खाने से क्या वाकई वजन कम होता है। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे और एक सवाल पूछा, तो फिर हाथी, भैंस और गेंडा ये तीनों पतले क्यों नहीं होते? शाबाश। अभी बावरी ने नया चालू किया, नहीं दुकान में आने से मना किया तो अभी मोबाइल में मैसेज बन के आ रही है। कुछ भी करके उसे तुझको काम में डिस्टर्ब तो करना ही है, नहीं उसको बोल दे भाई ये सब मैसेज वैसेज दुकान के टाइम के बात करे। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाद तो बावरी जी मुझे पर्सनली मिलती है, तो फिर वो मैसेज क्यों करेंगी? अरे बोलो बोलो मनोज भाई। हाँ जेठा भाई, बस मेरी ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपकी दुकान पे आ रहा हूँ मैं। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। जेठा भाई जरा फटाफट निपटाना, मैं जल्दी में हूँ। अरे अरे आइए आइए, फटाफट हो जाएगा आपका काम। हमारे वो भिड़े भाई है ना, वो पेशे से शिक्षक है, तो टाइम के बहुत पक्के। मैंने उसको 4 बजे का बोला है, लेकिन वो 4:45 बजे इधर हाजिर हो जाएगा। ठीक है जेठा भाई। ओके ओके, आइए 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 मिस्टर चायराम भिड़े। हाँ, आज से आपका नाम मिस्टर चायराम भिड़े। ये क्या नया कोई गेम है जो बीवी को चाय बनाने के लिए बोलने का और खुद गायब हो जाने का? सॉरी, जो चाय बनी थी वो दे दो, मैं पी लूंगा। चाय देती हूँ मैं, मुझे पहले ये बताइए क्या चल क्या रहा है, क्या परेशानी है आपको? माधवी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछो। चक्कर तो लाए नहीं होंगे आप? असुदेव ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, बैठिए आप। अब चाचा जी को पैसे दे ही दिए तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बस एक इधर और एक इधर रख दे। जी सर। हाँ। ये बस अभी तू जाकर चाय नाश्ता लेके आ जा, वो मनोज भाई और भिड़े आते ही होंगे, जा। अरे वाह, भिड़े भाई आ रहे हैं, उनको क्या खरीदना है, टीवी या मोबाइल? स्कीम। स्कीम? लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारी दुकान में कोई भी स्कीम चालू नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी फटाफट कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आपको बताता हूँ। अरे भाई स्कीम मतलब वो एक पे एक फ्री वाली स्कीम नहीं, वो लोना वाला में वो मनोज भाई का प्रोजेक्ट वाली स्कीम है ना, उसमें भिड़े को इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों आ रहे हैं। जा तो चाय नाश्ता लेके आ जा जल्दी। अरे वाह, भिड़े भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेठ जी तो एक काम करो, गर्मा गर्म नाश्ते के साथ मस्त मिठाई भी लेके आओ। अरे वाह बढ़िया विचार है, जा लेके आ जा। जी सेठ जी। जेठा भाई। अरे मनोज भाई आ गए, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठना नहीं है जेठा भाई, भिड़े जी नहीं आए? वो बस आता ही होगा, गली का नाके तक तो पहुंच भी गया होगा। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जेठा भाई कल आपने बहुत सही वक्त पे फोन किया, क्या है कि ये स्कीम में मैं सिर्फ 25 लोग लेना चाहता हूँ। कल जब आपने फोन किया तो 23 लोग तो हो चुके थे। ओहो। और 24वां मेरे सामने बैठा हुआ था। वाह। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना फोन करने में तो भिड़े जी का नंबर नहीं लगता। बराबर, सब नसीब की बात है। पूरे पेपर्स रेडी करके आया हूँ मैं जेठा भाई, ये देखो, NOC, लैंड एग्रीमेंट, नोटरी सब है, बस भिड़े जी की सिग्नेचर्स बाकी है। वाह वाह मनोज भाई वाह, आपका काम तो एकदम वो अर्जुन के निशाने की तरह है, एकदम पक्का। अरे वो भिड़े जी को फोन करो ना, कहाँ तक पहुंचे? अरे हाँ वो करता हूँ अभी, करता हूँ। अरे बाप रे, जेठा का फोन। अरे हाँ, मुझे तो पैसे लेके दुकान जाना था, ये चाचा जी के चक्कर में मनोज भाई की स्कीम वाली बात तो भूल ही गया, अभी क्या जवाब दूँ। हेलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, कहाँ पहुँचा तू, कहाँ है? मैं घर पे हूँ। घर पर? अरे भाई घर में घड़ी बड़ी है क्या? नहीं है? अरे मनोज भाई आ गए भाई, आजा आजा जल्दी आजा। जेठालाल मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मनोज भाई आके राह देख रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी कर, जल्दी कर, चल। जेठालाल दरअसल मैं आज पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? जेठालाल वो पैसों का कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? जेठालाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस तभी आ जा जल्दी, चल मनोज भाई राह देख रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तब तक तू आ जा चल। अरे बोला ना भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने स्कीम को लेकर अपना मन बदल दिया है। क्या? बाय। हेलो हेलो हेलो, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई, सब ठीक तो है? हाँ वो फोन कट हो गया, गोडाउन में कभी कभी सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, मैं वापस लगाता हूँ उसको। ये बुढ़े ने तो फोन बंद कर दिया, अब क्या करूं? आ गया। अरे बाघा आ गया, ला 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 भाई चाय नाश्ता इधर रख। ए मनोज भाई का सामने रख, जैसे चल इधर ये। हां बस रख दे, बस बस ले जा मनोज भाई, नाश्ता कीजिए। बेटा भाई भिड़े जी का क्या हुआ? वो फोन उसका नहीं लग रहा है, तो मैं उसके घर का नंबर पर लगाता हूँ, आप नाश्ता शुरू कीजिए। नहीं नहीं, ये जरूर जेठाला फोन कर रहा होगा, उठाता ही नहीं है। आ गया चाचा, फोन तो उठाइए। ए नको नको। हेलो। हाँ माधवी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। सॉरी वो भिड़े का मोबाइल नहीं लग रहा है, इसलिए घर के नंबर पे फोन लगाया। जरा भिड़े को फोन देंगे? हाँ हाँ एक मिनट, जेठा भाई का फोन है। उसको बोल मैं नहीं हूँ। उनको बात करनी है आपसे। हाँ लेकिन उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी होगी, कुछ बात तो कीजिए। अरे भाई उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। उसे खोटो कैसे समझूं? कतस ने अभी सच में बोल दिया, मैं घर पे नहीं हूँ। आओ ना, मैं घर पे नहीं। आओ शक्कर लेके आना आते आते। कमाल है। हेलो जेठा भाई, ये अभी अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ। अरे मनोज भाई आपने कुछ लिया नहीं? नाश्ता छोड़िए जेठा भाई, आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोल रहे हैं क्या? नहीं मतलब हाँ मतलब वो उसको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो बोल रहे हैं कि अभी वो स्कीम में नहीं रोक पाएगा। क्या आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, तुम्हें यहाँ आता ही नहीं। मुझे भी अभी पता चला मनोज भाई, मैंने उसको अभी फोन किया ना तभी मुझे बता रहा है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि अचानक उसने पलटी क्यों मारी। आप मानोगे नहीं, वो ऐसा कभी मेरी दुकान में आता नहीं है, तो आज सुबह सुबह दुकान में आ गया। ये आप बैठा था ना उधर ही बैठा था, और मैंने उसको बोला भी कि अरे भाई उत्साही इतना जल्दी क्यों आ गया, मनोज भाई तो 4 बजे आने वाले है। ये सब बेकार की बात है जेठा भाई, पता है कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के फोन आए थे, उन सबको ना बोल के मैंने आपके दोस्त भिड़े जी को इस स्कीम ले लिया। मेरा तो सारा टाइम खराब हो गया ना जेठा भाई, अब मैं किसी पार्टी को सामने से फोन करके बोलूं तो वो तो यही सोचेगा ना कि लोचे वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए किसी पार्टी ने डील डन करके कैंसिल कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर मार्केट में नाम तो खराब होता है ना जेठा भाई, आप तो व्यापारी आदमी हो, आप सब समझते हो, यहाँ सब काम भरोसे और वायदे पे होते हैं, जुबान की भी कोई कीमत होती है। जेठा भाई आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी मनोज भाई। क्या सॉरी? भिड़े ये तूने अच्छा नहीं किया, आज तेरी वजह से मनोज भाई की नजरों में मैं गिर गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब भी कभी तेरे घर आता हूँ तुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुझे जवाब देना पड़ेगा भिड़े, जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद, हमारा गणतंत्र दिवस। मित्रों इस गणतंत्र दिवस पे आज इस शुभ अवसर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 65 वर्ष हमारे मजबूत लोकतंत्र के, 65 वर्ष हमारे गणतंत्र के, 65 वर्ष हमारे संविधान के लागू होने के। आइए हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने आप से एक संकल्प लें कि हम हमारे घर, हमारे गली, मोहल्ले, शहर, नगर, प्रदेश और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे। अगर कचरा कहीं फेंकेंगे तो कचरा पेटी में फेंकेंगे। हमने तो हमारा संकल्प ले लिया, लेकिन इस वक्त जेठालाल ने भिड़े की बैंड बजाने का संकल्प लिया हुआ है। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या करते हैं। अभी तक तो भिड़े बाप से बच के भाग रहे थे, अब बेटे से कैसे बचते हैं? और अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि भाई चंपक चाचा ने भिड़े से पैसे क्यों लिए। अब ये जेठालाल और भिड़े टकराएंगे
तो आपके घरों में हंसी की आवाज होगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। आ, किसे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधु को भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है।